यो व्हाट्सअप पोजिस, कैसे हो, क्या हाल चाल। दिस वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर ओजला फैंस। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब अज की इस वीडियो में आप गल करेंगे करण ओजले का जो कल शो होया, वो शो के उत्ते कुछ योजा हो गया जो आपने सोचा भी नहीं सगा। चलो पहले आप छोटी छोटी गल्ला डिस्कस कर लिए, वही गल उन्होंने डिस्कस करा। सो सब तो पहला शो न सतविंदर सत्ती ने होस्ट किया, टोरोंटो के शो होया, पूरा शो सोल्ड आउट सगा, कट तुम ऑलरेडी देख ही लिया होना सारे ने, है ना। एंड करण ओजला ने बड़ी यूनीक तरीके एंट्री की थी ना, स्पाइडरमैन वांगू तार ते लटक के आया सी, जो कि मैनू ठीक ठीक लगी, जां मैं घरे बह के देख रहा मैनू तां नहीं इन्नी वधिया लगी, बट जिहड़े उत्थे लाइव च देख रहे सी उन्हां सारे लोगों ने उस मूवमेंट दीआं स्टोरीआं पाईआं जदों करण ओजला ने एंट्री लैती आ। मतलब काफ़ी मैसिव एंट्री सी, डिफरेंट करन दी कोशिश की गई है, तुहानू इंटरटेन करन लई आर्टिस्ट की कुछ करदा, ते उसे दे नाल नाल करण ओजले दी कलैबरेशन हो रही है ड्रेक नाल। एक वीडियो क्लिप प्ले कर दे जी करण ओजले ने इंस्टाग्राम से पाई आ, उसे दे विच हिंट आ, तुसी लभो तो मैं मिलदा। हाँ जी, देख ली सारी क्लिप, नहीं पता लग्या कि करण ओजले की कलैबरेशन आ रही है ड्रेक नाल। सो करण ओजले ने इस शो के उपर एक, वैसे तो दो तीन कॉस्ट्यूम पाए थे, कॉस्ट्यूम चेंज होंदे रहे, है ना, टाइम टू टाइम इंटरटेन करने लिए बंदा कपड़े चेंज करता स्टेज के उत्ते, बाकी गर्मी इन्नी होंदी यार कपड़े भेजे जाते हैं। आ तुसी देख सकते हो कल करण ओजले ने टोरंटो वाले शो से स्टेक की ओवर शर्ट या तुसी जैकेट कह सकते हो पाई सी, जिहदे पिछे स्टेक लिखा होया सी। हुण स्टेक की आ, स्टेक एक डिजिटल कंपनी आ, जिदा कि क्रिप्टो करंसी वगैरह, है ना, या जिहड़ा बैट बूट वाली कंपनियां होंदियां, लाइक जिदा तुसी पंजाब दा रम्मी कह लो, है ना, जिहड़े ऑनलाइन गेमां गूमां ते बैट लाउंदे आ, उदां दी कंपनी आ। उन्होंने कल करण ओजले तो प्रमोशन कराई है टोरंटो के टूर से, उन्होंने कोई पंजाबी सिंगर चाहिए सी जिदा काफ़ी फेस हो जो पंजाबियों में स्टेक की प्रमोशन कर सके, तो उन्होंने कैनेडा लिए करण ओजले तो बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं मिली। तो पंजाब का सब तो ज़्यादा ओवर हाइप नाम ड्रेक, तू सालिया ड्रेक या सिद्धू ने ड्रेक नाल गाना आ रहा, सिद्धू ड्रेक ने फॉलो कर लिया या ड्रेक इदा या ड्रेक उदा, है ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर हाइप बना रखिया पंजाबियों ने। ड्रेक उस कंपनी का ऑफिशियल पार्टनर आ, हुण देख लो पार्टनर कौन हुंदा जिहदा अद्धा इनवैसटमेंट, जिहदी अद्धी इनवैसटमेंट होवे। सो ड्रेक उस कंपनी का पार्टनर है, इहदा मतलब करण ओजले का बहुत ही जल्दी ड्रेक नाल कोई सीन होने वाला। यू गैस ऑलरेडी नो करण ओजले बई ने आदा वैंकूवर वाला शो जो पोस्टपोन करता सीगा, सो काफ़ी तरह के हिंट मिल रहे हैं, क्योंकि उदू पहला करण ओजले बई ने एक स्टोरी पाई थी जिहदे विच करण ओजले ने डीजे चार्ली बी नूं टैग किया। सो डीजे चार्ली बी कौन आ ड्रेक दे नाल लैंदा, ठीक है, उन्हां दे काफ़ी पोस्टां तुसीं देखी होंगे, जो सिद्धू जी टी शर्ट पाई सी उदों भी डीजे चार्ली बी ड्रेक दे नाल खड़ा सीगा। सो अज तो थोड़ा टाइम पहला डीजे चार्ली बी नूं करण ओजले ने टैग करके एक स्टोरी पाई सी कि वैंकूवर दे शो लई तैयार हूँ, इहदा मतलब हो सकदा जो वैंकूवर च शो होण जा रिहा उहदे ते करण ओजला तो ड्रेक इको स्टेज पर आके स्टेक की प्रमोशन करन, या कुछ भी थोड़े लिए सरप्राइज हो सकता, या मे बी उस स्टेज पर करण ओजला कुछ वड्डी चीज़ अनाउंस भी कर सकता। उसे करण ओजले वालों भी काफ़ी बड़ी स्टोरी मैनशन किया गया कि वैंकूवर सब तो लास्ट से शो किया जाऊगा, तो सब तो वड्डा शो होने वाला, हुण शो नूं वड्डा बनाउण लई स्टेक ते करण ओजला रल के की करदे आ आपां देखना होगा। बाकी बिल्कुल जायज़ इनफॉर्मेशन है, कुछ धक्के नाल नहीं जोड़िया कि कलैबरेशन आ रही आ। हाँ, करण ओजले ने कलैबरेशन की आ स्टेक, यानी कि ड्रेक की जी कंपनी आ, जिन्हों ड्रेक जिन्हों का ड्रेक पार्टनर आ उस कंपनी करण ओजले ने कलैब की है, तो फोर श्योर करण ओजला बहुत जल्दी कलैब लैके आ रहा। बाकी सानू कोई फर्क नहीं पैंता करण ओजले ड्रेक नाल कलैब आवे ना आवे, साडे लई करण ओजला एक्स ड्रेक वड्डी कलैबरेशन नहीं होगी, साडे लई वड्डी कलैबरेशन वो होगी जो करण ओजला वारिस ब्रदर यानी कि मनमोहन वारिस सर उन्होंने आऊगा, वो साडे लई सब तो वड्डी कलैबरेशन होगी। बाकी थोनू ये वीडियो किदां दी लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ।